ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। और अब चर्चा करेंगे यहाँ पे कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में, जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम जी, देख रहे हैं कैसे सीट के दिसंबर वायदा आज कुछ रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, 6468 पर ट्रेड कर रहा है और 6488 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, खबरें हैं कि कैस्टर ऑयल और कैस्टर मील की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ रही है, इनका जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो ज्यादा देखने को मिला है, आपको क्या लगता है अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या कैसा सीट, जैसे कि आज तेजी दिखलाता नजर आ रहा है, तो क्या इंटरडे में 6500 के भी ऊपर ट्रेड करता नजर आ पाएगा? देखिए, कैस्टर सीड में ट्रेंड तो पॉजिटिव ही हम लंबे अरसे से एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं, डिमांड निकल रही है लेकिन वही है सस्टेन नहीं हो रहा मार्केट ऊपर में। 6500 का स्तर आज इंट्राडे में संभव है, देखने को मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक 6600 के ऊपर स्टेबल नहीं होता तब तक इसमें लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, जैसे रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल के दिसंबर वायदा में कल हमने 2800 के ऊपर का हाई लगते हुए देखा था, हालांकि वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है और आज की बात करें तो आज 2780 का हाई लग चुका है, आपको क्या लगता है क्या आज एक बार फिर से बिनौला खल 2800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए अखिलेश, बिल्कुल 2800 के ऊपर जा सकता है बिनौला खल, 2800 इनफैक्ट हम तो 3000 का स्तर इसमें देख रहे हैं कि एक बार देखने को मिल सकता है, जिस तरीके की इसके अंदर कल हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखी और आज भी बाजार जो है वापस 2800 के पास जाने की कोशिश में है और 2800 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे देता है तो आप मान के चलिए 3000 तक मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फिलहाल के लिए बिनौला खल बाइंग में रहना चाहिए, जो भी डिप मिले करेक्शन आए उसमें आप बाय करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया में हल्की रिकवरी है लेकिन जीरे का बाजार टूटता नजर आ रहा है, पहले हमने 16000 से नीचे गिरते देखा था 15900 के स्तर पर, अब देख रहे हैं 15800 के लेवल पर है और हल्दी भी 7400 पर आ चुकी है। रूपा जी आपको क्या लगता है मसालों में ये जो नरमी वाला रुझान है ये कब तक और जारी रह सकता है, क्योंकि हमने इससे पहले मसालों में एक अच्छी रैली भी आते देखी है? देखिए मसालों की जहां तक बात है अखिलेश, एक डिमांड जो है एक्सपेक्ट की जा रही थी अभी देखने को मिल सकती है, घरेलू डिमांड निकल सकती थी और अभी एक्सपोर्ट डिमांड जो थे वो पहले भी हमने लुढ़के हुए देखे और अभी एक बार फिर से जो कोरोना का असर देखने को मिल रहा है इससे एक बार फिर से डर का माहौल है कि कहीं एक्सपोर्ट डिमांड फिर से कम ना होते हुए दिखाई दे और बाजारों के ऊपर दबाव जो है वो बन सकता है, तो उसी का इम्पैक्ट है। फिलहाल एक बार सभी कमोडिटीज ऊपरी स्तरों पर लुढ़कती हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन धीरे आगे चलकर धीरे धीरे इसमें सुधार भी संभव है और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन जीरे में अभी फिलहाल कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं है। जीरा जब तक 16500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता टेक्निकली तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है। वही अगर बात करें हल्दी, हल्दी भी अप्रैल वायदा जो है वो 8000 के सपोर्ट है नीचे में और ऊपर में 9000 है, तो इसी रेंज में फिलहाल हल्दी के अंदर भी कारोबार देखने को मिल सकता है। रही बात धनिया की, तो धनिया में फिजिकल डिमांड अच्छी खासी है, धनिया में तेजी का एक रुझान बन सकता है, धनिया ऊपर जा सकता है, धनिया का जनवरी वायदा अगर देखे तो मुझे लगता है कि एक बार 9000 का स्तर छू सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आज भी देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड में लाल निशान के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, ग्वार गम 10100 के स्तर पर है और ग्वार सीड 5700 के लेवल पर। रूपा जी आपको क्या लगता है ग्वार गम में क्या और ग्वार सीड में दोनों में क्या अभी ये जो करेक्शन है और ज्यादा गहरा सकती है? देखिए कल की गिरावट के बाद अभी वापसी से थोड़ा सा बाजार संभला था आज सुबह, लेकिन वही लाल निशान के साथ है, 10000 के नीचे है, अब 10000 के नीचे अगर आज की क्लोजिंग आती है तो और ज्यादा गिरावट बढ़ सकती है और सीड में भी 5680 नीचे में एक बार स्तर है देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम जनवरी वायदा की बात करें तो जनवरी वायदा में 10000 के नीचे अगर मार्केट लुढ़कते हैं तो 9500 तक नीचे जा सकते हैं और दिसंबर वायदा में भी 9500-9600 की रेंज फिलहाल देखने को मिल सकती है, तो अभी देखना होगा अगर 10000 के नीचे की सस्टेनेबिलिटी आती है तो मार्केट में करेक्शन बढ़ सकती है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो खाद्य तेलों में हमने देखा है कि रिफाइंड सोया तेल में 1200 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले थे, 1230-1240 तक के लेवल्स थे, फिर हम देख रहे हैं कि आज 1198 पर कारोबार होता दर्ज किया जा रहा है। खबरें हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कि ओमिक्रॉन जो नया वेरियंट आया है कोरोना का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई फैक्टर इम्पैक्ट होते नजर आ सकते हैं, इसकी वजह से रिफाइंड सोया तेल में गिरावट है, आपको क्या लगता है अगर ये गिरावट का दौर जारी रहता है तो क्या रिफाइंड सोया तेल में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है?
अखिलेश देखिए, हमने लगातार यही कहा है कि रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में जो है गिरावट जो है वो बनी रह सकती है, इसमें तेजी के आसार कम है, जबकि सोयाबीन तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सोया रिफाइंड सोया जो है वो लगातार प्रेशर में ही देखने को मिला है, और जब से 1300 के नीचे हमने इसको देखा है वहीं सस्टेन किया, और अब इसने 1200 का भी सर तोड़ दिया है, तो मान के चलिए इसमें गिरावट बढ़ सकती है, और इसमें जो रेंज बनी रह सकती है वो देखिए 1200 के ऊपर भी सस्टेन कर सकता है एक बार फिर से, लेकिन तेजी नहीं है इसके अंदर, छुटमुट आपको बाइंग आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड रिफाइंड सोया का माइनस ही दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है नीचे में 1160 तक एक बार लुढ़क सकता है जी। यानी कि रिफाइंड सोया तेल का वायदा बाजार अभी रूपा जी के अनुसार नीचे में 1160 आ सकता है। रूपा जी, यहां से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने बीते दो तीन ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आती हुई देखी है, 6900 के बाद से लगातार गिरावट ही रही थी, वीकली क्लोजिंग होते होते 6700 के लेवल से आए थे, फिर 6500, फिर 6100 तक भी देखा, और हमने कल के कारोबारी सत्र में 6093 का भी लो लगते हुए देखा। रूपा जी, वहाँ से देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ रिकवरी बनती नजर आ रही है, एक बार फिर से सोयाबीन में 2% की तेजी देखने को मिल रही है और 6200 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या मान लिया जाए कि सोयाबीन यहाँ से अब रिकवर होना शुरू हो गई है, या फिर सोयाबीन अभी भी और गिरावट दिखा सकती है यहाँ से? देखिए अखिलेश, अभी रिकवरी में तो नहीं है, देखिए लगातार हमने दो ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त इसमें करेक्शन आता हुआ देखा है, और बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं, और अब एक बार निचले स्तरों से आप देख सकते हैं कि रिकवरी इसको कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है, लेकिन अभी ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बाजार जो है, जब तक देखिए 6000 का स्तर होल्ड किया है तब तक तो आप मान के चलिए कि पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा इसमें गिरावट भी नहीं आने की उम्मीद है। 6000 अगर टूट गया और उसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तब आप इसको मान के चलिए कि नीचे में आपको 5800 से 5500 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जहां हमने देखा है कि टेक्निकली 6000 को सस्टेन कर गया मार्केट और ऊपर में अभी भी 6200 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव है रुझान, लेकिन यहाँ पर एक बार बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो सकती है। अगर बाइंग करते हैं तो हो सकता है एक ट्रेडिंग सेशन में आपको पॉजिटिव दिखे मार्केट और कल फिर टूटते हुए नजर आए, क्योंकि अभी जो है डर का माहौल है बाजारों के अंदर, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन डिप कितनी जाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि बाजार यहाँ से कितना गिरेंगे, अगर 6000 से नीचे गिरे तो 5500 तक भी गिर सकते हैं और वापस से वहां से बाउंस आ सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन करेक्शन भी आ सकती है क्योंकि ये कोरोना का इम्पैक्ट है और इसका असर क्या होगा और ये कितना हावी होगा अभी इसके लिए इसके लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो व्यापारियों के अंदर भी जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उनके उनको भी डर है, तो इसलिए जैसे ही प्राइस ऊपर जाते हैं तो वहां पर हैवी सेलिंग जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बाजार करेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया था और अब वापस से यहाँ पर रिकवरी आ रही है, तो 6000 का लेवल है, अगर किसी को बाइंग भी लेना हो तो 6000 को ध्यान में रखकर आप बाई ले सकते हैं, 6000 का लेवल ब्रेक करे तो आपको एग्जिट लेना चाहिए जी। रूपा जी, सोयाबीन के रिगार्डिंग ये भी खबरें हैं कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है एक बार फिर से सरकार से मांग कर रही है कि सोया डीओसी का जो आयात की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। रूपा जी, हम पहले ही देख चुके हैं कि सरकार ने जो सोया डीओसी का आयात करने का फैसला लिया था उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों पर काफी ज्यादा असर पड़ता नजर आया था, जिसकी वजह से सोयाबीन के किसान को काफी नुकसान भी हुआ। अगर एक बार फिर से सोया डीओसी का आयात हो जाता है और सरकार पोल्ट्री इंडस्ट्री की सुन लेती है तो क्या सोयाबीन एक बार फिर से लुढ़कती नजर आ सकती है, और किसानों ने जो होल्ड करके मेहनत करके तेजी लानी शुरू करी है उनकी मेहनत पर क्या पानी फिरता नजर आ सकता है? देखिए, अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली अगर इंपोर्ट को सरकार मंजूरी दे देती है तो बिल्कुल इसका नेगेटिव इंपैक्ट सोयाबीन की कीमतों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। जी दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जो कॉटन के बारे में जानना चाह रहे हैं, हसमुख आहिर जी हैं, कॉटन में जानना चाह रहे हैं कि कॉटन में आगे 32000 के लेवल कब तक देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी तो बाजार थोड़ा सा करेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है और 32000 के लेवल देखिए दिसंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी, कॉटन के रिगार्डिंग खबरें भी है कि जो ग्लोबली कॉटन आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ने का अनुमान जताया गया है, और ऊपर से हम देख रहे हैं कि चाइना में भी सेलिंग देखने को मिल रही है और इंडिया में भी जो कॉटन का जो स्टॉक है भले ही वो थोड़ा कम है लेकिन डिमांड जोरों पर है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में क्या कॉटन की कीमतों पर कुछ दबाव बनता नजर आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यू अराइवल्स भी हैं? देखिए, न्यू अराइवल्स के चलते थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है, लेकिन वही प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है और जैसा कि आपने बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे हैं,
तो अभी तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी कम देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए, चाइना से जरूर एक बार डिमांड जो है वो घटी है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन वापस से बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है अभी जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी बाजार जो है पॉजिटिव है और पॉजिटिव जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। जी जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ प्रकाश वर्ष ने, जी सवाल सीपीओ को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सीपीओ और कितना गिरेगा अभी, क्या सीपीओ में कुछ रिकवरी के आसार है या फिर अभी गिरता रहेगा? देखिए, एडिबल ऑयल पैक के ऊपर अभी जो है वो प्रेशर है, कंटिन्यूशन में प्रेशर देखने को मिल रहा है, चाहे वो सीपीओ हो या फिर रिफाइंड सोया ऑयल हो, सभी में ऊपरी स्तरों पर एक बार हमने दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। अभी 1100 पर कारोबार कर रहा है और नीचे में आप मान के चलिए 1080 से लेकर ऊपर में 1120 की फिलहाल रेंज है। 1080 के टूटने पर नीचे में आपको 1020 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है और ऊपर में 1140 1160 मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकती है, और आज इंट्राडे में 1120 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, मोनू जैन जी हैं जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सरसों बढ़ने की उम्मीद है या नहीं। देखिए, छुटमुट तेजी बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। जी, हितेश कुमार जी हैं जो नर्मा कपास के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या नर्मा कपास 9000 के भी पार जाती नजर आ सकती है? देखिए, अभी 9000 के पार अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन ट्रेंड तो पॉजिटिव है और आप मान के चलिए कि 9000 तक जा सकता है मार्केट, उसके ऊपर सस्टेन करेगा निकलेगा नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, 9000 का स्तर एक बार फिर से संभव है। जी रूपा जी, योगेश यदुवंशी जी जुड़े हुए हमारे साथ, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे कि क्या सरसों 8000 भी हो सकती है? देखिए, अभी सरसों में प्रेशर है, तो आगे जो एक महीने के बाद जब अराइवल्स आएंगी तब दबाव और बनता हुआ दिखाई दे सकता है और प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। जी जी, प्रकाश वार्षिणी जी का सवाल है, चीनी में तेजी कब तक देखने को मिल सकते हैं? रूपा जी, हमने देखा है कि चीनी का प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ऊपर से शुगर का एथेनॉल में भी यूज किया जा रहा है, शुगर केन का, तो आपको क्या लगता है, क्या अगर चीनी को एथेनॉल की तरफ एक डाइवर्जन दे दिया जाए तो क्या चीनी में तेजी बन पाएगी या फिर चीनी की कीमतों में ऐसे ही रेट्स देखने को मिलते रहेंगे? देखिए, अभी पीछे हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी थी चीनी के अंदर, लेकिन अभी वापस से बाजार जो है नीचे आया और अभी पीछे एक दो दिन में हमने फिर से सपोर्ट लेते हुए मार्केट को देखा है। प्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली प्रोडक्शन अच्छा खासा है और एथेनॉल में भी इसको यूज किया जा रहा है, तो डायवर्जन है इसका और इम्पैक्ट जो है वो देखिए छुटमुट तेजी की तरफ है मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, क्योंकि देखिए जो नेसेसिटी है, जो चीजें जरूरी की चीजें हैं, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करेंगी ये आप मानकर चलिए। आगे इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि इसी दायरे में फिलहाल बाजार घूमते हुए दिखाई देंगे। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं बहुत सारे, उनमें से एक है हरपुल कुमार जी, जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार के भाव आगे बढ़ सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद है ग्वार के भाव बढ़ने की? देखिए, फिलहाल तो बाजार लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद देखिए अभी क्रूड के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, क्रूड की चाल कैसी रहती है उसको भी फॉलो करता है ग्वार, और अभी जो है ग्वार की कीमतें जो है डाउन में है, बढ़ने के चांसेस छुटमुट इसमें भी बाइंग जो है वो बन सकती है, लेकिन वही मैंने टेक्निकली जैसे बताया कि 10000 के नीचे जब अगर लुढ़क गया तो फिर एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सुनील वकार जी हैं, जिनका सवाल कॉटन ऑयल केक को लेकर आ रहा है, बिनौला खल को लेकर आ रही है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मौजूदा स्तरों पर बिनौला खल में खरीदारी करना सही रहेगा या फिर अभी निचले स्तर का वेट किया जाए? देखिए, मौजूदा स्तर पर तो खरीदारी करना रिस्की काफी हो जाएगा क्लेश, हम लगातार बताते आ रहे हैं 2400 के लेवल से हमने बोला है कि आप बाय करके चलिए, और 2600 के पास जब सस्टेन था तब से हमने बाइंग का ही रिकमेंडेशन दिया, और आप देखिए अभी बाजार जो है वो तेजी में आ चुके हैं, अब यहाँ पर बाइंग करना रिस्की हो जाता है और मेरे हिसाब से वेट करना होगा, नीचे जब करेक्शन आए जिस दिन उस दिन आप बाइंग की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी जी, दर्शक हैं इलियास फारूकी जी, जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है, रूपा जी, हमने मक्के का प्रोडक्शन लगातार ज्यादा ही देखा है, साल 2019 में का साल 2019 का जो कैरी ओवर स्टॉक था वो ज्यादा था,
साल 2020 में प्रोडक्शन ज्यादा था और प्लस 2019 का कैरी ओवर स्टॉक, फिर हमने लॉकडाउन लगता देखा। हमने साल 2021 में देखा है कि साल 2020 के मुकाबले मक्के का प्रोडक्शन थोड़ा कम है, लेकिन पिछला जो स्टॉक चलता नजर आ रहा है वो साथ में है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो इतना खप भी नहीं पा रहा है और ना ही मक्के का इतना एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मक्के में आगे कुछ हल्की फुल्की तेजी बनती नजर आ सकती है अगर सोयाबीन की कीमतें ज्यादा रहती हैं और पोल्ट्री मक्के को सोयाबीन के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज करती है तो? देखिए अभी तो फिलहाल सोयाबीन की खुद की कीमतें भी नीचे लुढ़क रही हैं तो, और जिस तरीके से सोया DOC की भी इंपोर्टों की डिमांड की जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से, तो काफी जो है वो सिनेरियो जो है मिला जुला सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कैसा रहेगा मार्केट इसके ऊपर काफी कुछ कॉर्न की डिमांड जो है वो डिपेंड करेगी कि सोयाबीन की प्राइसेस कहाँ जाते हैं, DOC का कितना इम्पोर्ट होता है, ये सारी चीजों के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। और अभी फिलहाल जो है क्योंकि मक्के की प्रोडक्शन जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी है और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है अभी फिलहाल बूस्टअप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और अब किसानों का रुझान भी कम हुआ है। आगे हो सकता है कि मक्के की बुआई कम देखने को मिले आपको, जब प्रोडक्शन कम होगा तब फिर आपको इसमें प्राइसेस के अंदर बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में इस सीजन में मुझे बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए नितिन धाकड़ जी का सवाल लगातार गार्लिक को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि गार्लिक के प्राइस आगे जाके बढ़ेंगे या डाउन जाएंगे। रूपा जी, हमने देखा है कि गार्लिक का जो प्रोडक्शन था ठीक ठाक ही था, हालांकि फसलें भी पिछली बार खराब हुई थी मानसून की वजह से। आपको क्या लगता है ऐसे में आगे गार्लिक के प्राइसेस क्या रह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय में तो गार्लिक के प्राइसेस इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखिए वही सीमित है प्राइसेस, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया है और अभी एक थोड़ा बहुत डिमांड जरूर एक्सपेक्ट है कि देखने को मिल सकती है विंटर सीजन की, लेकिन वही प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है और अभी तेजी बनती हुई तो नहीं दिखाई दे रही कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि अराइवल्स अच्छे खासे मंडियों में पहुंच रहे हैं और प्राइसेस भी उसी रेंज में फिलहाल मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तेजी बनती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है और अगर कोरोना का वेरिएंट फैलता है तो और ज्यादा बल्कि कीमतों के ऊपर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, दर्शक है हमारे साथ बब्बू खुराना जी और बालाजी वरघाने जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि चने में आगे क्या होगा, क्या चने में कुछ तेजी की उम्मीद है? नहीं अखिलेश, देखिए फिलहाल इन स्तरों पर तो जो बाजार है जो स्थितियां हैं ऐसे माहौल में तो चने की कीमतों में फिलहाल तेजी की उम्मीद बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चने के साथ साथ बात करेंगे अगर दालों की तो दालों को भी लेके काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे पास। अरुण पाटिल जी हैं जो उड़द के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी, उड़द समेत बाकी दालों में भी क्या चने की तरह इस वक्त नरमी का ही रुझान देखने को मिलता रहेगा? देखिए बिल्कुल, दालों में अभी फिलहाल जो है रुझान जो है वो नरमी का ही है क्योंकि अभी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है हर प्रकार की दाल में। देखिए जब से वायदा में बैन लगाया गया है उसके बाद से कीमतें कंट्रोल में आई हैं और अभी इसमें बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट भी नहीं देखने को मिल रही, प्राइसेस को लेकर कोई बहुत ज्यादा उठा पटक नहीं है तो फिलहाल प्राइसेस जो है इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन कौन सी कृषि फसलें अच्छा मुनाफा देकर चल सकती हैं? अखिलेश देखिए, हमने कल भी जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि बिनोला खल यहाँ से तेज हो सकता है और बिनोला खल में ही तेजी का रुझान है और आज भी बिनोला खल ही मुझे लगता है कि अच्छा मुनाफा दे सकता है। जिनके पास बाइंग है वो बिल्कुल होल्ड करके चलिए और इसमें एक्सपेक्टेड है हमें 3000 तक का स्तर डिप पे, जो जिनका बाइंग रह गया वो डिप पर खरीदने की कोशिश करें और इसमें 3000 का स्तर संभव है देखने को मिल सकता है। इसके बाद कैस्टर भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, कैस्टर सीड में भी तेजी बन सकती है तो अभी कैस्टर सीड में लेवल अच्छे है, इसमें बाइंग की जा सकती है इन लेवल्स के आसपास और इसमें स्टॉप लॉस जरूर 6380 का फॉलो जरूर करना है स्ट्रिक्टली और जब इसमें आप 6500 से 6600 तक का स्तर इसमें आप देख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि टॉपिक्स उनकी तरफ से कृषि फसलों के रहेंगे बिनोला खल और कैसा सीड। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन लेवल्स पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करके चल सकते हैं, खरीदारी में रह सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।